हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके साथ में एक चिट चैट वीडियो को लेके। और दिवाली चली गई, करवा चौथ चला गया, सारे फेस्टिवल्स अभी ओवर हो गए, अब क्या आने वाला है, अब मैरिज सीजन स्टार्ट हो गया है। ओके, सो मैरिज के अकॉर्डिंग अब जो है हमारे वीडियोस बनने वाले हैं। और अन्या इज बिहाइंड मी। तो ओके, अभी मेरे घर में पता है क्या हुआ, हल्का सा कुछ गैस पे बर्न हो गया। एक्चुअली अगेन आई वॉज मेकिंग समथिंग फॉर किड्स, तो मैंने गैस ऑन कर दिया एंड आई वेंट इनसाइड और उसमें थोड़ा सा ऑयल था, इट गॉट फायर्ड। अभी आपको दिखाती मैं जस्ट अभी तो मैंने ना ये रूम ओपन कर दिया है अपना मेन रूम, बिकॉज यहाँ पर पूरे रूम में जो है स्मोक ही स्मोक फिल हो गया था। तो आई थॉट कि चलो ओपन कर देते हैं डोर, जिससे कि थोड़ा स्मोक बाहर निकल जाए, एंड किचन में भी पूरे में स्मोक ही स्मोक हो गया था। सो इट गोज लाइक दिस। चलो अभी बंद कर देती हूँ मैं रूम को, बिकॉज बाहर से साउंड ज्यादा आती है और शायद मेरी अभी आवाज भी आपको इसलिए लग रही होगी ऐसी हैवी, बिकॉज मैंने दोनों फैंस भी ऑन कर दिए हैं। और आप देख रहे हो ये फायर बटन, दिस इज द फायर बटन। एक्चुअली अगर हमारे घर में स्मोक होता है तो ये जो रेड कलर का आपको नजर आ रहा है, ये रेड स्पॉट यहाँ पर, तो ये ऑन हो जाता है। तो ये फैसिलिटी हम लोगों को मिलती है फ्लैट्स में, जो कि अच्छी रहती है। तो अभी ये बिल्कुल ऑन हो चुका है, वो नहीं करा बीप, अदरवाइज ज्यादा हो जाता ना तो ये बीप करता, फिर कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह आते स्पॉट करने के लिए कि एक्चुअली में क्या हुआ है। हाँ, तो मैं आपसे कह रही थी कि सारे फेस्टिवल्स तो निकल गए, अब जो है शादियों का सीजन आ गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम वीडियोस बनाने वाले हैं। और आज मैंने जो है एक शॉर्ट्स एडिट किया है और शूट किया है, जो कि साड़ी का था। साड़ी देख रहे हो आप, मतलब किस तरीके की आप साड़ीज मुझे सेंड करते हो यार, ओ माय गॉड, ओ एम जी, लाइक दिस साड़ी इज लाइक वेरी लाइट वेट एंड कोई भी नहीं पहनेगा इस साड़ी को, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। ओके, बट ठीक है, इफ समबडी इज यू नो सेइंग कि मैम प्लीज एक हमारे लिए वीडियो बना दीजिए, आपके चैनल पे हम वीडियो अपलोड करना चाह रहे हैं, तो मैंने कहा चलो भाई बना लेते हैं उन लोगों के लिए वीडियोस। बाय द वे, ये साड़ी जो है शॉपसी से है, फ्लिपकार्ट से। सो अभी मैं बैठ गई हूँ, साड़ी पहनी हुई हूँ मैं फुल ऑन, और अभी मैंने एक वीडियो स्किन केयर का शूट किया, उसमें मैंने ये यूज किया प्लम का स्प्रे एंड देन ममा अर्थ का ये। ओके, तो मैं ममा अर्थ के प्रोडक्ट्स काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, अच्छे लगते हैं मुझे, बट आई वॉज थिंकिंग के जो ममा अर्थ की एक्वालॉजी का रेंज आई है उसको भी ट्राई करूँ, बट बोलो मुझे कोलैब भी नहीं दे रहे, मैं कैसे ट्राई करूँ, द प्रोडक्ट्स आर वेरी कॉस्टली। मुझे लगा कि एक तो कोलैब मिल जाए यार एक्वालॉजी का, अगर तो मैं भी ट्राई कर लूँ। आई एम वेरी दिस टाइप ऑफ गर्ल, जब तक कोई मुझे कोलैब नहीं देता ना मैं उनके प्रोडक्ट्स ट्राई नहीं करती। I'm so bad, I know, but I don't know, I have this habit of mine. तो अभी वैसे ठंडी, थोड़ी थोड़ी ठंडी का मौसम हो गया है, बट अदरवाइज तब भी मेरे घर में दोनों फैन ऑन है बिकॉज ऑफ द स्मोक। ओके, सो ये है लेटेस्ट अपडेट कि मेरे घर में आग लग गई थी। आई एम हैप्पी, मैं हैप्पी नहीं हूँ, अभी एवरीथिंग इज फाइन। मैंने मतलब ये ऑन कर दिया है जिससे कि स्मोक निकल जाए। ओके, एग करी बनने वाली है आज, एग्स बॉईल करके रख दिए, मसाला इज फुल रेडी, मसाला रेडी है, बस मैं एग उसमें डाल के फिर दो तीन विसल उसको दे दूंगी कुकर को, तो वो हो जाएगा। एंड देन आटा इज ऑल डन, आटा दिखाती हूँ आपको, कैसी लग रही हूँ, मेड टाइप की लग रही हूँ ना साड़ी पहन के और आपको ये सब दिखा रही हूँ। तो आटा इज ऑल डन, बस रोटी बनने वाली है, रोटी बनाऊंगी मैं अभी, चेंज कर लूँ फिर रोटी बनाऊंगी। मैंने सोचा आपके लिए रिकॉर्ड कर लेती हूँ व्लॉग काइंड ऑफ थिंग, और मैं ये खाती रहती हूँ म्यूसली, काफी अच्छा लगता है मुझे, ये बड़ा अच्छा है, खा के दिखाती हूँ आपको, खा के क्या दिखाती हूँ, लोग खा ही लेती हूँ। म्यूसली के सीड्स है इसमें, इट इज वेरी गुड, आने ही वाला था। तो अभी मैं आगरा गई थी, मैं आगरा में जो है विशाल मेगा मार्ट गई, तो मैं वहां से ना दो कंटेनर्स लेके आई, ये वाले, बिकॉज ये बहुत हैंडी रहते हैं, इसमें जो है मठरी एंड कुछ नमकीन वगैरह आ जाता है, लिटी है ना, और ये लाइट मतलब जैसा है क्या बोलते हैं एयर टाइट जार्स हैं ये दोनों, तो अच्छा रहता है। और हाँ,
आज मॉर्निंग की अपडेट, मैंने और मेरे हस्बैंड ने घर की इतनी ज्यादा सफाई करी है आज, इसीलिए मेरा घर आपको चमकता हुआ नजर आ रहा होगा। बहुत सफाई करी है सुबह से, आज हम लोग लगे हुए थे सफाई करने के लिए और टाइम भी बहुत ओवर हो गया। चलो भाई मैं चेंज करके फिर आई विल जस्ट गो एंड डू माय किचन वर्क, अन्य इज मंचिंग देयर। चलो मेरा एक छोटा सा चीज रहती है, सब सामान वामान उठा के रख दूं मैं, और मैं आपको कैच करूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, सो कैच मी देयर इन माय नेक्स्ट ब्लॉग। अगर आपको मेरे ऐसे ही चिट चैट वाले ब्लॉग अच्छे लग रहे हो तो हिट लाइक जरूर कर देना और शेयर भी कर सकते हो मेरे वीडियो को। चलिए फिर मिलते हैं सी और ब्लॉग पे। बाय यू गाइज़।